हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रसोई लाचबा। आज हम बनाने जा रहे हैं पेरी पेरी पोहा। पोहा तो हम अक्सर बनाते खाते हैं, लेकिन ये पोहा थोड़ी सी डिफरेंट खाने में लगती है। तो आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कप पोहा, जिसे मैंने पानी से 2 बार धो लिया है, और उसके बाद इसे हम छान लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे नहीं पानी में फुला के रखना है, जिससे कि ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। इसमें अब हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच पिसी हुई चीनी और 1/2 छोटी चम्मच नमक और 1 चम्मच नींबू का जूस। इसको तीनों को मिला के हम पोहा में अच्छी तरह से इसको 5 मिनट के लिए हम रेस्ट में रखेंगे। और जब तक हम पोहा हमारी रेस्ट करेगी, तब तक हम पेरी पेरी मसाला बना के तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए लेंगे हम 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच जिंजर गार्लिक पाउडर। थोड़े से ऑरिगेनो डालेंगे और इसमें थोड़े से दालचीनी पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच इसमें हम काला नमक डालेंगे और इस सब को हम मिला देंगे। इसे हम किसी एक मसाले के डब्बा में भी डाल के मिला सकते हैं। अगर कोई डब्बा हो छोटा सा मसाले की, तो हम उसमें इसे डाल के और डब्बे को बंद करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यह हमारी पेरी पेरी मसाला तैयार हो गई। अब हम एक पैन गरम करेंगे, इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। तेल गरम हो गई है, इसमें अब हम 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच काला सरसों और साथ में थोड़े से करी पत्ता डालेंगे। करी पत्ता ये ड्राई वाली है, अगर आपके पास फ्रेश हो, ताजी हो, तो आप उसको यूज करें। मेरे पास फ्रेश वाले अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने ये ड्राई वाला ही डाला है। और इसमें हम डालेंगे अब बारीक कटे हुए प्याज और साथ में 2 मीडियम साइज के आलू छोटे छोटे टुकड़े में कटे हुए डालेंगे। इसे हमें सॉफ्ट होने तक भून लेना है। थोड़ा सा भून जाने के बाद इसमें अब हम गाजर डालेंगे। और थोड़े से इसमें हम स्वीट कॉर्न डालेंगे। अगर आपके पास स्वीट कॉर्न ना हो, तो आप मटर या मूंगफली भी रोस्ट करके डाल सकते हैं। और अब हम इसमें भेज के हिसाब से थोड़े से नमक डालेंगे। नमक हम पोहे में भी पहले डाल चुके हैं, तो इसीलिए इसमें थोड़ा कम डालेंगे। अब इसे हम 1 से 1.5 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे, जिससे कि सब्जियां सब नमक को एब्जॉर्ब कर ले। सब्जियां अब भून के अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें पेरी पेरी मसाला डालेंगे। मैं इसमें पेरी पेरी मसाला तैयार 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसे थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत तीखा मसाला होता है। अब इसमें हम 1 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे और 1/2 नींबू का जूस डालेंगे। अब हम इसमें पोहा डालेंगे और पोहा डाल के अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। हमारा पोहा तैयार है, अब हम इसे सर्व करेंगे। इसे और भी सुंदर दिखने के लिए इसके ऊपर थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे, इससे इसकी टेस्ट भी और अच्छी हो जाती है। ये पेरी पेरी पोहा बनके तैयार है। ये बहुत ही डिफरेंट और स्वादिष्ट लगती है खाने में। आप एक बार इसे जरूर बनाकर खाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। तो आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।